नमस्कार, मेरे साथ कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी की मिठाई, जो कि उड़ीसा की फेमस मिठाई है और इसे यहाँ पर काकरा पीठा कहते हैं। और ये खाने में बहुत ही यमी होती है और इसे हम 2 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और मेरा तो मानना ये है कि अगर आप एक बार बनाकर खाएंगे तो आपका दिल बार बार बनाने का करेगा, क्योंकि इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि काकरा पीठा हम बनाएंगे कैसे। इस वीडियो में हम बहुत सारे टिप्स के साथ आए हैं। बहुत जनों की कंप्लेन होती है कि ये खुल जाते हैं, अच्छे से बनते नहीं हैं, इसमें तेल चला जाता है। तो हम बहुत सारे टिप्स लेकर आए हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें। और चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो सूजी, 2 कटोरी चीनी, 1 कटोरी दही, 1 नारियल जिसे हम कस लेंगे, ग्रेट कर लेंगे, 4-5 इलायची, नमक और थोड़ी सी गोलकी पाउडर। अब हम दही से छेना निकालेंगे। ये बहुत ही आसान होता है, जस्ट इसे हम गर्म करेंगे तो ये अपने आप ही फट जाता है। इसे चलाएंगे नहीं तो ये अपने आप ही फट जाएगा और पानी अलग हो जाएगा और छेना अलग हो जाएगा। ये दही का छेना इसमें डालने से ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर दही आपके पास अवेलेबल है तो इसे ज़रूर डालें, ये इसका टेस्ट दुगना कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और उसे गर्म करेंगे और उसमें हम डालेंगे नारियल का चूरा, जो कि कच्चा नारियल का हमारा चूरा है। 1 साबुत नारियल मैंने लिया है यहाँ पर। और गैस की फ्लेम हम यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखेंगे और 1-2 मिनट के लिए हम नारियल को थोड़ा सा सेक लेंगे। इसे हम चलाते हुए थोड़ा सेकेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें चीनी ऐड करेंगे 1 कटोरी, ताकि ये थोड़े मीठे हो जाएं। ये हम फीलिंग के लिए बना रहे हैं, तो इसे हम इस तरह से सेकते रहेंगे जैसे कि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए, चीनी थोड़ी मेल्ट हो जाए और नारियल हमारे मीठे हो जाएं। अब इसमें हम डालेंगे गोलकी पाउडर और फिर से इसे हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 कुटी हुई इलायची, जो हमने पहले से प्रिपेयर करके रखी हुई है। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें देते हैं, तो आप इसे स्किप ना करें। अब हम चलते हैं हमारे छेने के और जो हमने दही से निकाला है उसे हम छान कर अलग निकाल लेंगे। और हाँ, अब इसका पानी फेंकिए मत, इसका पानी भी रखिए, इसका पानी को भी हम यूज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये नारियल का जो हम फिलिंग रेडी कर रहे हैं उसमें हम अपना जो छेना निकालें, दही का छेना, उसको भी वहीं पर ऐड कर देंगे। हमारे यहाँ पर दही थोड़ा पतला था तो छेना थोड़ा कम आया है। अगर आपके पास थोड़ा अच्छा दही है या क्वांटिटी में है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा छेना भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। 1 कटोरी छेना तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये टेस्ट अच्छा, बहुत अच्छा आएगा इसका। अब देखिए, ये हमारा जो फीलिंग है ये रेडी हो गया, कितना सुंदर गोल्डन कलर आ गया है, मतलब ये रेडी हो चुका है। आप यहाँ पर चीनी की जगह आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गुड़ में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप गुड़ या चीनी आपके पसंद के हिसाब से आप ले सकते हैं। अब हमारी फीलिंग रेडी है, हम गैस को ऑफ कर देंगे और अब हम बनाएंगे सूजी का बेस। तो इसका मेजरमेंट होता है हमारे 1 कटोरी सूजी में 2 कटोरी पानी का। तो हमने यहाँ 1/2 किलो सूजी लिया है तो 1 लीटर हमने यहाँ पर पानी लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, या नमकीन नहीं करेगा, ये एक मीठा का अलग टाइप का टेस्ट देता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, एकदम थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी, ताकि सूजी भी हमारी मीठी हो जाए, बनानी तो हमें मिठाई है तो इसमें हम चीनी डालेंगे। और नमक इसकी मिठास बढ़ा देते हैं, हल्का सा नमक डालने से किसी भी मिठाई में मिठास बढ़ जाती है, इसीलिए हम यहाँ पर नमक ऐड कर रहे हैं। और इसे हम चलाते रहेंगे ताकि हमारी चीनी जल्दी ही घुल जाए। अब बारी हमारे छेने से निकले हुए पानी की। जैसा कि हम जानते हैं छेने से जो पानी निकलता है उसमें बहुत ही ताकत होती है, तो हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे और इसी में ऐड कर देंगे उसको। तो क्या होगा, इससे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं हमारी जो पीठा है। तो इसमें पानी में ऐड कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा चलाते रहेंगे। जब हमारा पानी उबलने आ जाए, मीन्स नियर टू बॉयल हो जाए, तब हम इसमें सूजी को ऐड करेंगे। तो हमारी ये 1/2 किलो सूजी है जिसे कि हम पानी में ऐड कर रहे हैं। पानी हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से
और हम इसे धीरे धीरे करके ऐड कर देंगे और इसे हम चलाते हुए करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना आए। सूजी में लम्प्स आने से अच्छी नहीं बनेगी मिठाई, तो हम इसे थोड़ा थोड़ा सूजी डालते रहेंगे और ऐसे चम्मच से हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये इवेनली मिक्स हो पानी के साथ में और जो चीनी और नमक है वो सूजी में इवेनली स्प्रेड हो। तो इसी तरह से हम डालेंगे और उसे चलाते रहेंगे। देखिए अब हमारा पानी थोड़ा थोड़ा उछलने लगा है, मतलब ये बॉईल होने लगा है और सूजी भी इसमें मिक्स हो गई है। इसी तरह से इसको चलाते रहें। अब हमारी सूजी बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गई है, ना ही ये एकदम पतली है और ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, तो ये बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है। इसे हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। अब हम 5 मिनट सूजी को ढक करके रख देंगे ताकि ये सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल जाए और ये हमारा बेस रेडी हो जाए। गैस हम ऑफ कर चुके हैं और 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हाथ में थोड़ा सा घी लेकर इसे अच्छे से मल्हार देंगे, मतलब अच्छे से मिला देंगे। आटा जैसे हम गूंथते हैं उसी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखो कितने अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट, कितने अच्छे सूजी हमारी तैयार हुई है। तो यही इसी कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। और हम इसके पेड़े बना लेंगे जैसे रोटी के लिए बनाते हैं और उसे मोड़ के इस तरह से कटोरी जैसा बना लेंगे और इसमें हम डालेंगे अब हमारा जो नारियल का फिलिंग हमने बनाया था। तो ये कटोरी जैसे बनाने से ये बहुत ही आसानी से भरा जाते हैं और इसे हम बंद कर देंगे। और ये बंद पूरी अच्छी तरह से आप करें, इसका मुंह थोड़ा भी खुला नहीं रहना चाहिए नहीं तो ये फट जाएंगे। तो इसे हम इस तरह से दबा दबा के अच्छी तरह से बंद कर देंगे। इसी तरह से हम सारे पेड़े भरकर तैयार कर लेंगे ताकि हम इसे फ्राई कर सकें। अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें कि हम तेल गर्म करेंगे। पर हाँ, इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पर ये है कि कढ़ाई में जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी ये पेड़े इसमें फ्राई करने के लिए डालें, अदरवाइज़ ये खुल जाएंगे और नारियल इसके बाहर निकल आएंगे और तेल अंदर चला जाएगा जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब गर्म तेल में ही इसे डालें, ठंडा तेल में इसे बिल्कुल भी ना डालें। और इसे हम ऐसे शुरू में हम नहीं चलाएंगे, 2-3 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। जब हल्का से ऊपर से गोल्डन ब्राउन दिखने लगे तभी हम इसे पलटेंगे और फिर उसके बाद हल्का हल्का पलट पलट के इसे हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे और इसे हम धीरे धीरे करके एक एक कर कर निकाल लेंगे। देखिए हमारी सूजी की मिठाई का कलर कितना बढ़िया आया है और ये गरम गरम जितनी टेस्टी लगती है ठंडी होने के बाद उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप इसे 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं, एक बार बना के 2 दिन तक हम इसे इंजॉय कर सकते हैं। 1/2 किलो सूजी के लगभग 25 से 27 पीठा बनते हैं। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही सूजी लें और जितनी सूजी लेंगे उसका डबल पानी इसमें हमें लेना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।